हाय गाइस, नमस्ते, कैम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता सोलंकी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट हांडवा की रेसिपी, जो गुजरात की सबसे फेमस डिश है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और बहुत ही कम ऑयल में हेल्दी खाना बनाना हो तो ये डिश आप ज़रूर ट्राई करें। इसको हम सुबह के नाश्ते में, मतलब कि चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, टिफ़िन में लेके जा सकते हैं, या फिर छोटे बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और बाजू के इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्टेड। एक लौकी, रवा, चावल का आटा, बेसन, अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, शुगर, सोडा, दही, 1 कप पानी, 1 नींबू, तड़के के लिए तिल, राय एंड करी लीव्स एंड ऑयल। इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। अभी हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। हम इसमें रवा डालेंगे, चावल का आटा, बेसन एंड दही डाल के मिक्स कर लेंगे। अभी हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। शक्कर, नमक, शक्कर ऑप्शनल है, धनिया जीरा, मिर्ची की पेस्ट, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी हमने 1/2 चम्मच ही ली है, अदरक लहसुन की पेस्ट जो हमने ली है उस पे भी मैंने अलग वीडियो बनाया है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बोलना। अभी हम इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मैश कर लेंगे। अभी हम इसमें नींबू डाल देंगे, आप अपने हिसाब से नींबू डाल सकते हो, ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा, एक नींबू ज़्यादा डालिए। मैंने यहाँ पे दही का यूज़ किया है, योगर्ट मैंने एकदम खट्टा नहीं लिया है, मीडियम लिया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक पतली पेस्ट रेडी करेंगे, बस इस तरह से। हमें ठीक नहीं बनाना है, ऐसे पतला रखना है खीरे को। अभी हमारा खीरा रेडी हो गया है, इसको हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही बंद करके छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में सूजी फूल जाएगी,
उसके बाद हम इसमें सोडा खा डालेंगे, खाने का सोडा जो हमने एक चम्मच ली है। अभी उसको हम मिक्स कर लेंगे। खाने का सोडा हमेशा एक ही तरफ मिलाएंगे तो अच्छा बनेगा। अभी हम तवे पे तड़का लगा देंगे। तड़के के लिए हम 4 टेबलस्पून ऑयल ले रहे हैं। मेरी चम्मच छोटी है तो मैंने 4 डाला है, आप 2 भी डाल सकते हो। अभी हम इसमें सौंफ डाल देंगे, राई, अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम इसमें तिल डालेंगे। तिल हम इसमें ज़्यादा डालेंगे। और करी लीव्स डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए बंद करके इस तरह से हिला के रख देंगे। अभी हम इसमें खीरा डाल देंगे। आपको जितना घाटा रखना है इतना खीरा डालिए। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा घाटा बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। आप छोटे छोटे भी बना सकते हो। अभी के नीचे की जो राई और तिल है उसे हम ऊपर ले लेंगे जिससे कि वो ज़्यादा जल ना जाए, इस तरह से। और उसके ऊपर तिल डाल देंगे थोड़े से, बस इस तरह से। अभी हम एक तरफ से उसको 15 मिनट तक होने देंगे और दूसरी तरफ भी 15 मिनट तक होने देंगे, तब जाके ये अच्छे से पक जाएगा। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो। और हम इसको पलट देंगे। अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से सिक के रेडी हुआ है ये। अभी दूसरी तरफ भी हम इसको सेक लेंगे। आप पतला बना रहे हो तो 5 मिनट का गैप रखो एकदम, और थोड़ा मीडियम बना रहे हो तो 10 मिनट का। अभी थोड़ा सा ऑयल हम उस पर डाल देंगे नीचे की तरफ सिकने के लिए, और बंद करके इसको रख देंगे। दोनों तरफ से सिक के रेडी हो गया है ये। एक बार हम पलट के देख लेंगे, अगर नहीं सिका है तो उसको थोड़ी देर और रहने देंगे। अभी हमारा हांडवा बनके रेडी हो गया है, उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा हांडवा फिर से रख देंगे बनाने के लिए। फिर से उसी तरह से हम ऑयल डालेंगे। ऑयल में थोड़ा राई, और तिल डाल के करी लीव्स डाल के बंद कर देंगे बिल्कुल पहले की तरह। और इस तरह से मिला लेंगे। अभी खीरे का बैटर हम फिर से डाल देंगे इसमें और 15 मिनट तक दूसरे हांडवे को भी होने देंगे। ऊपर से तेल छिड़क देंगे।
इसको मैंने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से काट लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मैंने सर्व के लिए ऑलरेडी प्लेट रेडी कर ली है। मैंने उसको नीचे कैबेज और बीट से गार्निशिंग किया है। और मैंने यहाँ पे सेजवान चटनी और टोमेटो केचप को मिक्स करके चटनी बना ली है। अभी हम इस पे धनिया पत्ती और नींबू रख के गार्निशिंग कर देंगे।